रूमेटाइड अर्थराइटिस। आज बात करने वाले हैं रूमेटाइड अर्थराइटिस मतलब आम बात या गठिया के बारे में। गठिया एक ऐसी समस्या है जो आपके ज्वाइंट्स से, लिगामेंट्स से, आपकी हड्डियों से संबंधित एक समस्या है। इसमें आपके ज्वाइंट्स में स्वेलिंग आ सकती है आम बात की वजह से, ये मतलब वात की वजह से ये समस्या हो सकती है। वैसे तो बेसिकली जो गठिया जो है ये वात की एक समस्या है। अगर आपका आहार संतुलित हो तो ये समस्या बहुत जल्दी ठीक की जा सकती है। क्या आप जानते हो कि रूमेटाइड अर्थराइटिस में क्या आपको खाना चाहिए और कौन सी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। आज का वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर है कि रूमेटाइड अर्थराइटिस मतलब गठिया के अंदर आपको कौन कौन सी चीज़ें खानी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। पूरा डिटेल में बात करेंगे, एक एक चीज़ में आपको बताऊँगा कि अनाज में कौन कौन से अनाज आपको खाने हैं, दालें कौन कौन सी खानी हैं, सब्ज़ियाँ कौन कौन सी खानी हैं, मसालों में क्या क्या चीज़ें खानी हैं, फ्रूट्स कौन कौन से खाने हैं, पूरी चीज़ें डिटेल बात करूंगा। साथ में पिक्चर्स भी आपके साथ में शेयर करूंगा ताकि आप उस चीज़ को समझ सकें, क्योंकि लास्ट टाइम जो एक वीडियो बनाया था उसमें मैंने पिक्चर्स शेयर नहीं की थी तो आप लोगों को कन्फ्यूजन था कि सर समझने में दिक्कत होती है, आप पिक्चर्स के थ्रू आसानी से समझ सकते हैं। क्योंकि कुछ कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि किसी एक चीज़ का दूसरा नाम होता है, किसी एक चीज़ के का नाम जो होता है वो दूसरे नाम से उसको जाना जाता है, तो पिक्चर से आप आसानी से उसको समझ जाओगे। देखिए रूमेटिक अर्थराइटिस जो होती है वो अधिकतर महिलाओं में पाई जाती है, इसके ज़्यादा केसेस जो होते हैं वो महिलाओं में होते हैं, इसलिए महिलाओं को अपने आहार को बहुत संतुलित रखना ज़रूरी होता है। दरअसल क्या होता है कि जब कोई भी बीमारी हो, रूमेटिक अर्थराइटिस ही नहीं कोई भी बीमारी हो, अगर उसमें खान पान परहेज सही तरीके से किया जाए तभी आपके ऊपर कोई मेडिसिन, कोई दवाई, कोई थेरेपी काम कर सकती है। अगर आपका परहेज़ नहीं करते हो, आप सही प्रकार का खान पान अगर नहीं खाते हो तो बीमारी ठीक होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसलिए आज जो वीडियो है ये वही है कि आपको क्या खाना है और क्या चीज़ नहीं खानी। सबसे पहले बात करते हैं कि आपको कौन कौन सी चीज़ें खानी हैं, क्या खाएं। खाने में सबसे पहले अनाज, अनाज में आपको पुराने चावल खाने हैं, चावल के साथ जो आप खा सकते हो गेहूँ आपको खाना है। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट दालों के ऊपर। दालों में तीन दाल मैंने विशेष तौर पे इसमें ली हैं, पहली है अरहर की दाल, दूसरी मूंग की दाल, तीसरी मसूर की दाल। इन तीन दालों को आप ऐड कर सकते हो, खा सकते हो, ये रूमेटिक अर्थराइटिस के लिए बहुत अच्छी हैं। थर्ड है फल और सब्जियों में आप क्या क्या खाएंगे। फल में आप सेब खा सकते हो, पपीता खा सकते हो, सहजन खा सकते हो, टिंडा खा सकते हो, परवल खा सकते हो, लौकी खा सकते हो, तोरई खा सकते हो, खीरा खा सकते हो, करेला खा सकते हो, ये सारी चीज़ें आप खा सकते हो फल और सब्जियों में। अब बात करते हैं मसाले स्पाइसेस कौन कौन सी आपको ऐड करनी है, क्योंकि मसाले और स्पाइसेस भी, क्योंकि ये एक प्रकार से दवाइयाँ होती हैं जो आपके रसोई में होती हैं। जल्दी मैं एक नई सीरीज़ शुरू करने वाला हूँ कि आप अपने जैसे अजवाइन है, अदरक है, अपनी लौंग है, इन चीज़ों का विशेष तौर पर क्या बेस्ट यूज़ कर सकते हो, इसके लिए आगे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर मैं आपकी जो रेगुलरली जो जो चीज़ें हमारे पास अवेलेबल होती हैं जैसे हल्दी है, अजवाइन है, आपका अदरक है, इनके ऊपर डिटेल से आप बात करेंगे। आज बता रहा हूँ कि कौन कौन से रूमेटाइड अर्थराइटिस में आपको मसाले ऐड करने हैं, तो उसमें याद रहे अजवाइन, अदरक, सौंफ, हींग, काला नमक, गर्म पानी आपको पीना है, काली मिर्च का आपको कम मात्रा में उपयोग करना है, सेंधा नमक आप यूज़ करें, धनिया आप खा सकते हैं, लहसुन आप खा सकते हैं, जीरा खा सकते हो, घी लिटिल कम मात्रा में आप खाइए, अरंड का तेल आप यूज़ कीजिए, बिना मलाई का दूध आप पीजिए, छाछ, पुनर्नवा और गोमूत्र, इन चीज़ों का आप इस्तेमाल कीजिए। ये हेल्पफुल हैं रूमेटिक अर्थराइटिस को रिकवर करने में और साथ में ये आपकी बॉडी के लिए एक अनुकूल एटमॉस्फेयर आपके शरीर के अंदर तैयार करते हैं जो आपको ठीक होने में मदद करता है। अब मूव करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें आपको नहीं खानी है, मतलब कि अवॉइड करनी है, क्या ना खाएं। सबसे पहले अनाज के ऊपर आते हैं। अनाज में आपको नया चावल नहीं खाना है, मैदा नहीं खानी है, दालों में काला चना नहीं खाना है, काबुली चना नहीं खाना है, मटर नहीं खाना है, क्योंकि ये जो तीन चीज़ें मैंने बताई, काबुली चना, काला चना और मटर, ये तीनों चीज़ें ही वात को बहुत तीव्रता के साथ में बढ़ाते हैं। तो ध्यान रहे जिनको भी गठिया की समस्या हो, क्योंकि गठिया एक वात संबंधित समस्या है, इसलिए जो भी चीज़ें वात को बढ़ाते हैं, वात के ऊपर मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक भी मैं डालूंगा, उसको भी वात वाले देख लें, जिन लोगों को गठिया की समस्या हो उसको भी देख लेना एक बार। गठिया एक वात की समस्या है तो हमें वो आहार हमेशा अवॉइड करना है जिसमें भी वात से संबंधित चीज़ें पाई जाती हैं जो वात को बढ़ाते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट, दाल आपको मैंने बता दी, अब बात करते हैं फल सब्जियों की। फल सब्जियों में आलू आपको नहीं खाने, जो चीज़ें कंद मूल के रूप में पाई जाती हैं
उन चीज़ों को अवॉइड करना है। सरसों का साग नहीं खाना है, भिंडी नहीं खानी है, अरबी नहीं खानी है। अब बात करते हैं अन्य चीज़ें कौन कौन सी हैं, जैसे दही नहीं खाना है आपको, मछली नहीं खानी है, गुड़ नहीं खाना है, अधिक नमक नहीं खाना है, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं, कोल्ड ड्रिंक्स बिल्कुल नहीं पीनी है, अशुद्ध जल नहीं पीना है, पानी जो आप पीते हो वो शुद्ध होना चाहिए, ठंडा भोजन बिल्कुल ना खाएं, गर्म और ताज़ा खाना खाएं, ठंडा पानी बिल्कुल अवॉइड करना है, सूखी सब्जी नहीं खानी है आपको, सब्जी तरीदार होनी चाहिए आपकी, तला भुना भोजन बिल्कुल इसमें अवॉइड करना होता है। तो ये मुख्य इसके पॉइंट्स थे। रूमेटिक अर्थराइटिस में कुछ चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करने के लिए बोला गया है, जिनको आपको बिल्कुल मनाही है, मतलब इनका आपको परहेज़ करना है। पहले जो चीज़ें बताई थी खाने के लिए ना खाने के लिए, अब जो चीज़ें बता रहा हूँ ये बिल्कुल अवॉइड करनी है, किसी भी कंडीशन में आपको नहीं खानी है। इसमें पहली चीज़ है आपको तेल और मिर्च मसालों से बना भोजन नहीं खाना है, अचार नहीं खाना है, अधिक तेल से बने हुए भोजन नहीं खाने हैं, कोल्ड ड्रिंक्स बिल्कुल नहीं खानी है, मैदा से बने हुए पदार्थ बिल्कुल नहीं खाने हैं, ड्रिंक मतलब कि शराब जो लोग पीते हैं बिल्कुल बंद कर रहे हैं, फास्ट फूड, सॉफ्ट ड्रिंक्स, जंक फूड और मांसाहार, मतलब कि जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं वो बंद करें बिल्कुल, क्योंकि रूमेटिक अर्थराइटिस के अंदर ये चीज़ें आपको बिल्कुल बंद करनी ही पड़ेंगी। तो दोस्तों ये चीज़ें थी कि क्या आपको चीज़ें खानी हैं, कौन कौन सी चीज़ों को अवॉइड करना है। इसके साथ साथ आपको जिन लोगों को भी रूमेटिक अर्थराइटिस गठिया की समस्या होती है, वो सुबह उठते ही 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी अवश्य पिएं, क्योंकि ये गुनगुना पानी आपको बड़ी मदद करेगा। गर्म पानी किसी भी प्रकार के दर्द में, विशेष तौर पे गठिया का जो दर्द होता है, वात से संबंधित जो दर्द होता है, उसमें रामबाण का काम करता है। पूरे दिन जिसको भी दर्द हो वो पूरे दिन हल्का हल्का गर्म पानी पीते रहें, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। इसके अलावा कुछ विशेष नियमों का ध्यान रखना है, जैसे जिन अंगों के ऊपर आपको दर्द हो, समस्या हो, उन स्थानों के ऊपर चोट नहीं लगने देनी है। दूसरा, थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी आप ऐड करें। तीसरा, पर्याप्त नींद लें। चौथा, स्ट्रेस ना लें, खान पान का सही ध्यान रखें, पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशन लें, पर्याप्त रेस्ट लें, खुश रहें, और साथ में कुछ प्राणायाम और योग की क्रियाएं भी करने की कोशिश करें। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कौन कौन से प्राणायाम और कौन कौन सी ध्यान की या योग की क्रियाएँ आप कर सकते हो। योग बहुत ज़्यादा हेल्प करता है इस चीज़ में, रूमेटिक अर्थराइटिस गठिया की समस्या को ठीक करने के लिए। कितने सारे पेशेंट्स हम लोग खुद ट्रीट करते हैं, जिसमें कितने सारे इतने क्रिटिकल पेशेंट होते हैं कि जॉइंट्स के अंदर बिल्कुल मूवमेंट हो ही नहीं सकता, ना सीढ़ियाँ चढ़ पाते हैं ना बैठ पाते हैं, लेकिन इस छोटे से ट्रीटमेंट के बाद। और पता है आपको, लोगों को किसी भी डॉक्टर के पास, आपको भी अगर समस्या है तो किसी भी डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप खुद अपने आप को ट्रीट करना जानते हो, थोड़ी सी समझ आपको है, तो आप खुद से अपने आप को घर पे रहते हुए ठीक कर सकते हो। तो इन सभी नियमों का ध्यान रखते हुए, जीवन शैली को ठीक करते हुए, आप अपनी रूमेटिक अर्थराइटिस की समस्या को जड़ से ठीक कर सकते हो। प्राणायाम भी करें, इसमें साथ साथ कुछ फिजिकल एक्टिविटी, जिसमें सूक्ष्म व्यायाम आप कर सकते हो, अनुलोम विलोम भस्त्रिका प्राणायाम आप कर सकते हो। तो ये आपको आपके स्ट्रेस लेवल को, आपकी बॉडी के सर्कुलेशन को और बॉडी की एक्टिविटीज़ को बैलेंस करने में मदद करेंगे। तो आज की वीडियो में यही था, रूमेटिक अर्थराइटिस के ऊपर एक डाइट प्लान आपके साथ में शेयर किया। आपकी भी कोई हेल्थ इश्यू है और उसके ऊपर आपको अपना डाइट प्लान चाहिए, तो आप कॉन्टैक्ट करके अपना डाइट प्लान ले सकते हैं। ऑलवेज स्टे हेल्दी, बी हैप्पी। जय।